तो फ्रेंड्स आवर जो आई एम करण माली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बालाजी। बालाजी, बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। सो एज यू नो ये बनारस आया है और इसको आप लोग ने बहुत ही जगह देखा होगा। एक बार पीके के रोल में आया था, बहुत बहुत अनोखा अनोखा रोल है, अनोखा अनोखा किरदार निभाता है। में यही था डांसिंग कार में ही था। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं विकास माली का, जिसका सर नाम है बोधा और वो एक तरीके का हम लोग जानवर दोस्त है, जो जानवर नहीं है, बहुत अच्छा दोस्त है। बट हम लोग के साथ अभी तैयार होने गया और वो भी हम लोग के साथ जाएगा। और हम लोग चार जन उबेर से अभी याद आया कि हम लोग जब दिन में उसको बुक कर रहे थे तो उसका कम से कम प्राइस था 150 रुपीज़, और जब अभी हम लोग अभी आए बुक करने तो उसका प्राइस अभी हम लोग को पड़ गया है 216.56 पैसा। सो ये बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। सो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि विकास अगर हम लोग के साथ अभी आ जाए तो उसके बाद हम लोग उबेर बुक करेंगे, उसके बाद बालाजी। सो फाइनली गाइस वेट इज ओवर एंड हम लोग का विकास माली द हैंडसम हंक इज बैक। थोड़ा स्त्री खराब है पर बाकी सब कुछ ठीक है। पूरा परफ्यूम मार के आया, जेल लगा के आया, तेल लगा के आया, मुख में लेके नहीं आया, पर बहुत अच्छा है। सो फाइनली कार इज बुक एंड कार इज ऑन द वे। ये लोग सब मोबाइल में स्टेटस चेक कर रहे हैं। आजकल जनरेशन कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है और कुछ ही समय में आने वाला है। सो गेट रेडी फॉर द एक्साइटमेंट। गाइस हम लोग का कार आ चुका है और वी गाइस रेडी खटंग। सो वी आर ऑन द वे टू बालाजी मंदिर। पिक्चर में मना मैं बाल भी मना दूंगा, सोना चढ़ा दूंगा, पिक्चर में बनाऊंगा, फिर मेरा भाई मेरा भाई गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है एंट्री है। सो अभी तो थोड़ी भूख लग रही है तो कुछ खाने पीने को तो खाने पीने को ढूंढ रहे हैं और आपको मैं थोड़ा एक बार व्यू दिखा दूँ, उसके बाद खाने जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अंदर। तो वीडियो बने रहे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो खाना पीना हो चुका है और हम लोग अभी अंदर आ चुका है और हम लोग के सामने अभी बालाजी का मेन जो टेंपल है वो दिख रहा है। सो सब लोग ओवर ही खाना ठूस लिया है। आइए आपको एक झलक में आपको थोड़ा मंदिर का दर्शन करा दो। सो ये जितने भी दोस्तों आपको वाइट वाइट दिख रहे होंगे ये सब टेंपल ही है। और ये जो पूरा पार्क है, जो कि शाम को अगर आप आओ तो व्यू एक नंबर लगेगा। और यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको हर जगह एक ऑसम व्यू मिलेगा। सो आइए देखते हैं और हम लोग क्या देखने को मिलता है।
मैं आप लोगों को मतलब अंदर की वीडियो नहीं बना दिखा पाया, क्योंकि जब आप मेन एंट्री में घुसोगे तो आपको वहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली आर नॉट अलाउड। सो इस चक्कर के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, ना ही वहाँ पे जाकर फ़ोटो क्लिक कर पाया। रूल नहीं तोड़ना चाहिए। और बाकी एक चीज़ अगर आप ध्यान रखना, कभी भी अगर बालाजी मंदिर आओ और रात को आओ और अगर 8 बज गए और अगर आप अपनी खुद की कार या बाइक लेके आओ तो 8 बजे के बाद अंदर पार्किंग नॉट अलाउड है। फिर उसके बाद आपको अगर आपके 4 व्हीलर होगा तो 2000 रुपये फाइन लगेगा, 2 व्हीलर होगा तो 1000 रुपये फाइन लगेगा। और बाकी बहुत ही अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, पार्क सार्क फैसिलिटी है। अभी तो ऐसे बारिश उड़िश गिरा है तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि पानी ज़्यादा होगा, बट ऐसे भी बहुत ही अच्छी जगह फोटोग्राफी प्लस एंजॉय करने के लिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय द वे। और इन लोगों को पूछ लूँ जो ग्रुप का है, कोई बनारस से आया है, कोई गाम बार से आया है, तो उसको पूछ लूँ मैं कैसा लगा कैसा नहीं। तो सबसे पहले जो आ रहा है सोनू माली, इसको नहीं। सो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन रात हो चुकी है, कुछ देख नहीं पाया, तब भी ठीक है। आपको आपको मंदिर का दर्शन नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ भाई, बंदा है, चश्मा लगा के नहीं आया सही से। बच्चे भगवान का रूप है, गांडिया बोबड़ा है, क्या बोलेगा। अब बाकी हम लोग का दूसरा पब्लिक रिएक्शन। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इधर फोटो पारे देखे, मंदिर देखे, तो भागा में बेग गया थोड़ा। इधर देखो कैमरा, इधर है क्या लो कैमरा को देख के, मगर अच्छा लगा बहुत। बहुत दिन, बहुत साल के बाद आया मैं। फिलहाल आप देख सकते हैं तो मैं 15 साल के बाद इधर आया हुआ, 15 साल बाद आया। तुम्हारा लेक्चर बोरिंग कर रहा है भाई, ठीक है बस एक मिनट। इन लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, उड़ाउट इन लोगों का कचरा कर गया। सो अभी हम लोग का मेन कस्टमर नहीं, मेन दोस्त जो बनारस से आया, काशी से आया है, सो उसको पूछता हूँ, एज़ कम्पेयर टू बनारस विश्वनाथ, वहाँ पे मंदिर है बहुत ही फेमस है, तो उसको कैसा लगा? सो आइए चलते हम लोग का लास्ट मेंबर के पास। सो बनारस से आया, देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि उसे गुवाहाटी कैसा लगा, बड़े बालाजी मंदिर कैसा लगा। तो दोस्तों और दोस्तों की बहनों, तेरी बहन नहीं है? हाँ मेरी भी नहीं है। हाँ तो मुझे यहाँ, मैं बाबा विश्वनाथ के यहाँ से आया हूँ बनारस से। मुझे यहाँ आया बहुत अच्छा लगा, बालाजी घूमा मैं, यहाँ फोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छा मोमेंट है, बहुत अच्छा प्लेस है। कामाख्या मंदिर गए थे? कामाख्या मंदिर गया, वहाँ भी बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था ना, आप नहीं थे वहाँ, सो नहीं हो पाएगा आपका। और आपको बालाजी मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ नाइट शो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा गुवाहाटी का वेदर कैसा लगा? आप 3 दिन 4 दिन रहा है, बहुत गुस्सा आया साला, रात को पानी और दिन भर धूप, साला चेहरा जला दे रहा है मेरा। अब ठीक है, ठीक है मेरा नहीं सबका, अब ठीक है, अब हर कोई का अपना अपना। और बोलना है, बोलना बोलना। एक बस मोमेंट छूट गई है, हम लोग आपको दर्शन नहीं कर पाए बस, ये हमें भी बहुत खराब लगा है। सो थैंक यू गाइस, आप लोगों का साथ आके बहुत ही बढ़िया लगा। ये क्या है? बट एक बात याद रखना भाइयों की बहनों, जितना खर्चा हुआ सब 4 जन के बराबर में होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।